ह्यूमन राइट्स सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान की अवार्ड कमेटी ने 38वीं इंसानी हकूक अवार्ड का ऐलान कर दिया, जिसमें बताया गया कि इस साल का एक अवार्ड मारूफ मजदूर लीडर खुर्शीद अहमद को दिया जाएगा। और इसके अलावा मुल्क के सबसे बड़े मगर पसमानदा तरीन सूबे बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली हज़ारा कम्युनिटी की पहली खातून वकील मोहतरमा जलील हैदर को दिया जाएगा। अवार्ड्स कमेटी का इजलास सोसाइटी के चेयरमैन सेनेटर एस एम जफर की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें जस्टिस रिटायर्ड मुनीर ए शेख, बेगम महनाज रफ़ी, सैयद आसिम जफर, बैरिस्टर अफजल जावेद, चौधरी बशीर अहमद एडवोकेट, खालिद नियाज ख्वाजा और एम ए शकूरी ने शिरकत की।